आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो स्टूडेंट्स तो हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर इन एंजियोस्पर्म्स तो एंजियोस्पर्म्स जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट के बारे में बताना है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनिस मतलब माइक्रोस्पोर फॉर्म होते हैं सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन मतलब बनना ऑफ पोल ग्रेन्स जो हमारे मेल गैमिट होते हैं फ्लावर्स में तो सबसे पहले क्या होता है फर्स्ट स्टेप तो जो हमारा स्पोरोजेनिस टिश्यू होता है जो फोर कॉर्नर्स पर प्रजेंट होता है उसका हर एक सेल पोटेंशियल पोलन मदर सेल होता है ईच सेलोसपोर्जेनस टिश्यू इज अ पोटेंशियल पोलन मदर सेल जो आगे जाके हमारे फॉर्म करते हैं मेल पोलन ग्रेन तो जो पोलन मदर सेल होता है वो क्या करता है वो अंडरगो करता है माइटोसिस और फॉर्म करता है पोलन मदर सेल तो जो पोलन मदर सेल है ये हमारा ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म कर लेता है जो अंडको करता है हमारा द प्रोसेस ऑफ मियोसिस जो हमारा रिडक्शनल डिवीजन होता है और ये फॉर्म कर लेता है हमारे फोर हैप्पलॉयड मतलब सिंगल प्लॉइडी लेवल होता है इनका एन फोर हैपलॉयड सेल्स और ये जो फोर हैपलॉयड सेल्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड हैड सेल्स के ग्रुप को माइक्रोस्पोर टेट्राड फिर क्या होता है जो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है ये एंथर मेचोर हो जाता है हमारा फिर डेसेंस होता है सो एंथर एंथमेचर और जो हमारे माइक्रोस्पोर्स होता है टेट्राड वो अलग अलग हो जाता है मतलब डिसोसिएट हो जाए एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं एंड डेवलप और ये फॉर्म कर लेते हैं हमारे इनटू पोलन लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करिए डाउट ने टाट्सअप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर